दोस्तों आज हम आए हैं सोमानी हुंडई अक्लूज ऑथराइज्ड हुंडई डीलर्स। सोमानी हुंडई अक्लूज वाइड रेंज ऑफ हुंडई कार्स ऑफर करता है। हैचबैक में हमको मिलेंगी हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज, हुंडई i20, हुंडई i20 एन लाइन। सेडन में हमको मिलेगी हुंडई ऑरा, हुंडई वेना, और एसयूवी में हमको मिलेंगी हुंडई अल्काज़ार, हुंडई क्रेटा, हुंडई वेन्यू, हुंडई वेन्यू एन लाइन एंड ऑल न्यू हुंडई टस्कन। यहाँ पर हम वेरना देख पा रहे हैं। यह है सोमानी हुंडई का शोरूम। इसके साथ ही सोमानी हुंडई बहुत सारे सर्विसेज भी ऑफर करता है। आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं हुंडई टस्कन का। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 28.633 लाख ऑनवर्ड्स। इसमें आपको इंजन मिलता है 2000 cc का। फ्यूल इसमें पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम इसकी ऑटोमेटिक है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 सीटर है। यहाँ पर हम इसका फ्रंट लुक देख पा रहे हैं, टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं। इसकी ग्रिल की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर टस्कन लिखा हुआ है। इस कार में LED प्रोजेक्टर लैम्प आपको मिलते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट इसकी बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट से हम इसका डिज़ाइन देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव दिखता है। आज हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं हुंडई टस्कन प्लैटिनम 2.0 AT डीजल मॉडल का। अब हम बात करेंगे इसके लाइटनिंग के बारे में। इसमें हमको हेडलाइट्स LED मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको मिलता है। हम इसकी साइड प्रोफाइल देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखती है। हॉलो में हेडलैम्प का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स आपको इसमें मिलती है। टेललाइट्स LED आपको मिलती है। फॉग लाइट्स हैलोजन आपको मिलती है। एम्बियंट इंटीरियर लाइटनिंग आपको इसमें मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। केबिन लैम्प आपको फ्रंट और रियर में मिलता है। रीडिंग लैम्प आपको बोथ साइड्स को मिलता है। अब यहाँ पर हम इस कार का रियर व्यू देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखता है। यहाँ पर रूफ माउंटेड एंटीना आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्टर देख पा रहे हैं, रियर डिफॉगर देख पा रहे हैं, रियर वाइपर देख पा रहे हैं। LED लाइट्स आपको इसमें कंटिन्यूस बार टाइप मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया दिखती है। ये कार बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही दमदार है। आपको इस कार में पैनारोमिक सनरूफ मिलेगा, रूफ माउंटेड एंटीना मिलेगा, बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलेंगे, क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप हमको मिलेंगी। ये कार आती है 5 डोर्स के साथ। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है। इसमें हमको 2 सीटिंग रोज मिलेंगे। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 54 लीटर्स है। चलिए अब हम देखते हैं इसका बूट स्पेस। इसमें बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस दिया है। 620 लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस हमको मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर हम इसका बूट स्पेस देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर हमको लाइट्स मिलेंगे, होल्डर्स मिलेंगे, चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। इसकी डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर हम पार्सल ट्रे भी देख पा रहे हैं जो को हमको पीछे खींच के लॉक करना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया वाली सिस्टम इसमें दी गई है। ये है हमारा बहुत ही बढ़िया वाला पार्सल ट्रे। इसकी डिज़ाइंस और अरेंजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्पेस हमको मिलता है। यहाँ से हम इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश दिखता है। यहाँ पर इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले, कंट्रोल्स देख रहे हैं, रियर AC वेंट हम देख पा रहे हैं, रियर व्यू मिरर देख पा रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ हम यहाँ से देख पा रहे हैं। अब हम पार्सल ट्रे को वापस अपनी जगह पर छोड़ देंगे। यह है इसका बहुत ही बढ़िया वाला 620 लीटर्स का बूट स्पेस। अब हम देखेंगे इसका स्पीयर व्हील। यहाँ पर हम इसका स्पीयर व्हील देख पा रहे हैं जो हमको मिलेगा स्टील रिम के साथ। अब हम बात करेंगे इस कार के लॉक और सिक्योरिटी के बारे में। इंजन इमोबिलाइजर का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। सेंट्रल लॉकिंग आपको इसमें कीलेस मिलेंगी। स्पीड सेंसिंग लॉक डोर आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पर डोर हैंडल दिया है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको इसमें मिलेगा। रियर व्यू इसका बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखता है। अब हम चलेंगे इस कार के इंटीरियर की ओर और देखेंगे कि इंटीरियर में क्या कुछ दिया हुआ है। वैसे तो ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। चलो तो फिर चलते हैं हम इसके इंटीरियर की ओर। यहाँ से हम इसका पैनोरामिक सनरूफ देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसके स्टीयरिंग की डिज़ाइन, यहाँ पर डोर माउंटेड कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का बटन,
यहाँ पर हम ओआर वी एम देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ओआर वी एम यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देख पा रहे हैं, हुंडई की बैजिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर देख पा रहे हैं, टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इस कार में हमको मिलता है 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले जो आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। ये कार आती है इंटीग्रेटेड इंडैश म्यूजिक सिस्टम के साथ। इसमें हमको 8 स्पीकर मिलेंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमको मिलेंगे। यहाँ पर हम स्टीयरिंग की डिज़ाइन देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, GPS नेविगेशन आपको इसमें मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पर हम इसके डिस्प्ले की डिज़ाइंस देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है, एसी के कंट्रोल डिस्प्ले के नीचे मिलते हैं। यहाँ पर हम एसी वेंट देख पा रहे हैं। इसकी ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव है, ये कार आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर हम इसके कंट्रोल्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले की डिज़ाइंस देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर एसी वेंट्स देख पा रहे हैं। इस कार में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ से हम आगे का व्यू देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम सनवाइजर देख पा रहे हैं, मिरर ऑन सनवाइजर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को मिलेगा। यहाँ पर स्पेशल लाइट्स दी हुई है। यहाँ पर हम आगे वाली केबिन लैंप्स देख पा रहे हैं जो कि LED में आते हैं। इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतर है। ये को पैसेंजर वाला सनवाइजर, यहाँ पर भी आपको मिरर मिलेगा, यहाँ पर भी हमको लाइट्स मिलेंगी। इस कार में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमको ग्लू बॉक्स मिलता है, वो आता है कूलिंग के साथ। यहाँ पर हम कुछ मटेरियल्स रख सकते हैं। एम्बिएंट लाइटनिंग इसमें आपको मिलेंगी जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखती है। यहाँ पर हम इसका गियर नॉब देख पा रहे हैं, ये आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ। इस कार में बोस का बहुत ही बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसका इंजन देख पा रहे हैं, यहाँ पर टर्बो लिखा हुआ है, यहाँ पर कूलन टैंक दिखता है, यहाँ पर वाइपर का वाटर फिल करने की जगह दी गई है। ये है इसका बहुत ही बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम इसके इंटीरियर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये कार बहुत सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है। अब हम देखेंगे इसका रियर व्यू कैमरा कैसा वर्क करता है। ये इसका रियर व्यू देख पा रहे हैं, इसमें 360 डिग्री का व्यू आपको मिलता है। ये हमको ड्राइविंग के लिए और पार्किंग के लिए असिस्ट करता है। यहाँ पर स्क्रीन के नीचे बहुत सारे कंट्रोल ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर हम इसकी टच स्क्रीन देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर हम इसके डिज़ाइंस देख पा रहे हैं जो कि बहुत स्टाइलिश लगते हैं। आपको इस कार में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, एवरेज ट्रिप मीटर आपको इसमें मिलता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन आपको इसमें मिलता है, एवरेज स्पीड आपको इसमें दिखेंगी, क्लॉक आपको डिजिटल दिया हुआ है, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिलती है, गियर इंडिकेटर आपको इसमें मिलेगा, शिफ्ट इंडिकेटर आपको इसमें मिलेगा, टैकोमीटर इसमें डिजिटल दिया हुआ है, ओवर व्यूम्स यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स आपको इसमें बॉडी कलर्ड मिलते हैं, आपको इसमें पावर विंडोज फ्रंट और रियर में मिलेंगी, वन टच डाउन एंड अप आपको ड्राइवर को ड्राइवर को मिलेगा। अब हम देखेंगे इसके पैनारोनिक सनरूफ की डिज़ाइन जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया वाला सनरूफ हमको मिलता है जो कि बहुत ही स्टाइलिश है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रेसेबल ORVM मिलते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर पे भी आपको ORVM मिलेगी। यहाँ पर हम इसकी ड्राइविंग मोड देख पा रहे हैं, पार्किंग रियर न्यूट्रल और ड्राइव मोड। यहाँ पर हम पार्किंग ब्रेक देख पा रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑटो पायलट का मोड यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर हमको ड्राइवर हैंडरेस्ट मिलता है, उसके नीचे कुछ स्पेस मिलता है, यहाँ पर हम कुछ मटेरियल और कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ से हम इसका रियर व्यू देख पा रहे हैं, आपको हेडरेस्ट फ्रंट और रियर में मिलेंगे। इसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत सारा कंफर्ट फील होगा। इसकी
सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया और कंफर्टेबल है, आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा फील होगा। यहाँ पर हम और एक बार इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर और टच स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत सारे कंट्रोल्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं क्योंकि ये कार आती है बहुत सारे फीचर्स के साथ। अब हम चलेंगे इसके रियर की ओर और देखेंगे कितना स्पेस हमको मिलता है, सिटिंग पोजीशन वहाँ पर कैसी है और लेगरूम हमको कितना मिलता है। यहाँ पर हम इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं, डोर हैंडल देख पा रहे हैं, विंडोज़ कंट्रोल का बटन देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम रियर एसी वेंट की डिज़ाइन देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर हमको चार्जिंग के लिए सॉकेट्स मिलते हैं, यहाँ पर हमको सीट पॉकेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, यहाँ पर हम कुछ सामान रख सकते हैं। यहाँ से हम इसका इंटीरियर का व्यू देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखता है। आपको इस कार में 10-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलेंगे। यहाँ पर हम इसके हेडरेस्ट देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश है। यहाँ पर सीट बेल्ट के एंकर्स देख पा रहे हैं, लेग स्पेस भी हमको बहुत ही बढ़िया मिलता है। फ्रंट पैसेंजर सीट हमको 6-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलेगी। रियर सीट एडजस्टमेंट आपको 2-way मैन्युअली एडजस्टेबल रियर सीट मिलेगा। सीट्स इसके लेदर्स के बने हुए हैं, लेदर रैप स्टेयरिंग हमको मिलेगी। यहाँ पर हम इसके इंटीरियर के डिज़ाइन देख पा रहे हैं, केबिन लैम्प यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इंटीरियर इसका ड्यूअल टोन है। रियर सीट हम फुल्ली फोल्ड कर सकते हैं, रियर सीट हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, 60:40 में हम ये स्प्लिट कर सकते हैं। फ्रंट सीटबैक पॉकेट्स हमको मिलते हैं, हेडरेस्ट हमको फ्रंट और रियर में मिलता है। अब हम चलेंगे इसके इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। पहले हम इस कार का इंजन बंद करेंगे, यहाँ से हमने इसका इंजन बंद कर दिया। अब हम इस कार का बोनेट ओपन करेंगे, यहाँ पर बोनेट ओपन करने के लिए कंट्रोल दिया हुआ है। तो चलो अब हम चलते हैं इसके इंजन और ट्रांसमिशन की ओर। इस कार में हमको 2000cc का 4-सिलेंडर इनलाइन 4-वाल DOAC इंजन मिलता है। ये मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 184 BHP की। ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 416 Nm का। इसमें हमको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक 8 गियर्स मैनुअल ओवरराइड स्पोर्ट्स मोड के साथ आएंगे। यहाँ पर हम कूलेंट टैंक देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम वाटर फिल करेंगे वाइपर्स के लिए। यहाँ पर हम इसके इंजन की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसके ऊपर टर्बो लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पर लॉकिंग की सिस्टम दी हुई है, यहाँ पर बैटरी की अरेंजमेंट हम देख पा रहे हैं। ये कार BS6 इमिशन स्टैंडर्ड के साथ आती है, इसमें आपको टर्बोचार्जर मिलेगा। ये है इसके फ्रंट लुक्स जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखते हैं। फिर से हम इसका इंजन सेटअप देख पा रहे हैं। अब हम इसका बोनेट क्लोज करेंगे, हम देखेंगे इस कार के ब्रेक स्टेयरिंग और टायर्स के बारे में। इस कार में आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है। स्टेयरिंग आपको पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग मिलती है, अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। फ्रंट टायर साइज 235/60R18 के मिलते हैं और रियर टायर साइज भी सेम ही मिलेंगे। यहाँ पर हम इसके टर्न इंडिकेटर्स देख पा रहे हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स देख पा रहे हैं, फॉग लैम्प यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलॉय व्हील की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, ORVM यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ से हम इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया और स्टाइलिश दिखता है। अब हम चलेंगे इसके रियर की ओर, यहाँ पर हम इसका रियर व्यूज देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये बढ़िया वाला टेल लैम्प, बार टेम्प लैम्प हम इसको कहते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया दिखता है। यहाँ पर टस्कन की बैजिंग हम देख पा रहे हैं। ये कार आती है 6 एयरबैग के साथ, इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलेगी। इस कार में हमको 181 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसमें हमको पार्किंग असिस्टेंस मिलता है, रिवर्स कैमरा विद गाइडेंस हमको मिलता है, पार्किंग सेंसर हमको फ्रंट और रियर में मिलेंगे। बहुत सारे फीचर्स के साथ ये कार आती है। यहाँ पर हुंडई के लोगो के नीचे हमें फ्रंट वाला कैमरा दिखता है। आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर दीपक फुलारी सर, मैनेजर ऑफ सोमानी हुंडई अक्लूज, ऑल द स्टाफ ऑफ सोमानी हुंडई अक्लूज एंड सोमानी हुंडई क्रू। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोमानी हुंडई अक्लूज का लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आपकी पसंदीदा हुंडई कार खरीदने के लिए जरूर विजिट करें। थैंक यू।